सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड इट हेयर में। और आज हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं होंडा एलिवेट की। ये टॉप एंड वेरिएंट है जो कि मैनुअल में है और मैंने थोड़ा चलाया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग के साथ साथ जो कहते हैं ना, एक चलाने में ड्राइव एंथुजियाज्म जो लोग हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। कैसा क्या होने वाला है सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और हमारे साथ प्रशांत जी हैं आज, और ये भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में। और दूसरी बात ये, थोड़ा गाइड ये भी करेंगे हमें, प्लस जो जो चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको लगे कि यार गाड़ी चलाने में कैसी है, थोड़ा सा आप मतलब विजुअली फील कर पाएं। बाकी चलाने में जो आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है वो सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ड्राइव शुरू करते हैं और मैं एक एक करके इसकी हैंडलिंग, पावर, फ्रंट कैसा दिखने में है, सस्पेंशन कैसे हैं, वो सारी चीज़ों की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बाकी बातें तो होते रहेंगी लेकिन इस चुपती हुई गर्मी में मैं अपनी गाड़ी को कर लेता हूँ फ्रेश। और मैं उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ इन्वॉल्व कार परफ्यूम को। ये मेरे पास बहुत सारी इसकी रेंज है, जैसे कि स्नोफॉल और फ्रेंच वुड, और बहुत सारी और भी रेंजेस आती हैं, लेकिन ये मेरा जो फ्रेंच वुड है वन ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको लास्ट 50 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के साथ आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये अच्छा क्यों है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3mm की टेप मिल जाती जो आपको स्टिकिंग के काम आएगी, और यहाँ पर आपको रेंज मिल जाती जिससे आप कम ज्यादा इसको कर सकते हैं इसकी फ्रेगनेंस को। और सिंपली यूज आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन करके यहाँ से ये चीज रिमूव करके सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। तो गाइज, मेरी तो गाड़ी हो गई है फ्रेश, और अगर आपको भी करनी है अपनी गाड़ी फ्रेश और विद स्पिल प्रूफ हाई फ्रेगनेंस परफ्यूम, और साथ ही साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम के साथ, तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड है वहां पर आप क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड यूज करिए फाइंड इट हेयर। उसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने हिसाब से ढेरों वैरायटी के कोई भी कार परफ्यूम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो गाइज, आ गया हूँ ड्राइवर सीट पे, और सबसे पहले बात करते हैं सीजन की। तो फ्रंट में आप देखेंगे रेनी सीजन हो रहा है बड़ा खतरनाक सा, उसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इसकी सस्पेंशन के साथ साथ जो बाउंड्रेशन होती है ना कि नहीं दिख रहा है या वो सारी चीज़ें रेनी सीजन में कैसा है, वो भी आप टेस्ट कर लेंगे। तो हमें दिन बहुत अच्छा मिला हुआ है, और थैंक्स टू होंडा और प्रशांत जी जिनने हमें गाड़ी प्रोवाइड कराई है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। गाड़ी चलने में काफ़ी पंची है, और मैं ड्राइव इसको 1.5 किलोमीटर अभी कर चुका हूँ, बाकी अभी चल रही है मेरी ड्राइव, काफ़ी बढ़िया है। लो गियर्स में तो अच्छा परफॉर्म कर ही दी है, जो बिग गियर्स हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर रही, कहीं भी आपको लैग या कोई चीज़ ऐसी नहीं फील होगी, सबसे अच्छी बात यह है। और ड्राइविंग क्वालिटी की बात करें, हमारे चलाने के ऊपर कैसा है, हम मेरा जो पोस्चर है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ उस हिसाब से कैसा है, तो बहुत बेहतरीन आउटपुट है। लगेगा कि आप एक SUV में बैठे हुए हैं, और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट यहाँ पर होंडा ने निकाला है, और मस्ट ये कॉम्पिटिशन तो मतलब देने वाली खतरनाक वाला, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन ये देने वाली अपने राइवल्स को। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्टेयरिंग से, स्टेयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है इसका। अब बात करते हैं फ्रंट से। तो आप फ्रंट में विजिबिलिटी देखिए, दोनों साइड आपको बोनट जो है क्लियर दिख रहा होगा, कोई भी पिलर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं वाइपर तेज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरी क्लियर विजिबिलिटी के साथ साथ आपको सारी विजिबिलिटी दिखेगी। तो रोड साइड में या हाईवेज में या कहीं भी आप अगर हिल्स में इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कोई इशू, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू बनेगा इसको चलाने में। अभी मैं तीसरे गियर में भी इसको देख सकते हैं, तीसरे गियर में 15 की स्पीड है फिर भी मैं इसको उठा पा रहा हूँ। तो आपको बार बार गियर चेंजिंग करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप CVT नहीं ले रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं, तो भी कोई आपको इशू इसमें नज़र नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, गाड़ी काफ़ी पंची है, अगर मैं तीसरे गियर में थोड़ा सा हल्की सी भी रेस दे दूँ तो गाड़ी एकदम उठ रही है, तो कोई उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि दिक्कत वाली बात हो रही है या कुछ ऐसा। और गाड़ी के सस्पेंशन की बात करूँ, आगे ब्रेकर आया है आप देखो, बहुत सॉफ्ट और बढ़िया सस्पेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कह सकते, ज़्यादा रिजिड भी नहीं कह सकते, तो ठीक ठाक सस्पेंशन ने होंडा ने यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AC काफ़ी अच्छा कूल कर रहा है, हालांकि मौसम काफ़ी अच्छा है आज, लेकिन AC अच्छा खासा कूल यहाँ पर कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। अभी मैंने 24 पे रखा हुआ है और सिंगल फ़ैन पे रखा हुआ है, यानी एक फ़ैन पे रखा हुआ है। यहाँ पर आप जो सारी चीज़ें दी हुई है होंडा ने, जैसे कि टच स्क्रीन पैनल है मोर देन 10 कुछ इंचेस का, वो अच्छा खासा आप इजीली यहाँ पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले इसमें मिल जाता है, तो वो भी आपको मतलब जो आपको चीज़ें मिली हैं ड्राइवर इजीली इसको कंट्रोल कर सकता है, उससे रिगार्डिंग कोई आपको इशू इसमें होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर रोक के आपको इसका बैक कैमरा भी दिखा देता हूँ कैसा है। बैक कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हो बैक कैमरा। अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से शायद ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बाकी बैक कैमरे की विजिबिलिटी जो है मैं आपको मैन्युअली वैसे भी दिखा दूंगा स्टडी में, यानी खड़ी गाड़ी में, तो काफ़ी अच्छी, कोई ऐसा कोई इशू आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। बाकी अभी मैं पहले गियर में उठाता हूँ आप देखो, और सबसे अच्छा है लेन असिस्ट, अभी देख सकते हैं आप
मैं अगर लेफ्ट साइड में मुझे देखना है तो मैं प्रेस करके लेन लेफ्ट साइड की देख सकता हूँ कि कोई बंदा है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड ड्राइवर को थोड़ा कम दिखता है। या तो आप इंडिकेटर दे दो ऐसे करके, या आप यहाँ पर से एक स्विच है वो स्विच आपको ऑन करना है, तो सिंपली स्विच ऑन करके आपको लेफ्ट साइड की पूरी डिटेल दिखेगी। तो ये सबसे अच्छी खास बात यहाँ होंडा एलिवेट की। बाकी आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो पता ही है, अपने सेगमेंट में टॉप एंड ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया ही था। 1500 सीसी का बेहतरीन इंजन है। अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ZX टॉप एंड वेरिएंट, और मैनुअल में ड्राइव कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा है। अब सनरूफ की क्वालिटी आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सनरूफ इसमें अवेलेबल है, और अभी बारिश हो रही है तो काफ़ी अच्छा लुक भी हमें आ रहा है समझ में। और चलते चलते भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लेफ्ट साइड का व्यू प्रॉपर देख सकते हैं। अगर मुझे हटाना है तो मैं सिंपल क्लिक करके ऐसे हटा सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसमें होंडा का कि रेगुलर भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं जब आप इंडिकेटर देंगे तभी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, वो मैं आपको जब एक लॉन्ग ड्राइव करूँगा तब बाकी बताऊँगा कि कैसी क्या है। और पंची के साथ साथ जो ब्रेकिंग है, अब मैं ब्रेकिंग टेस्ट भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को, और अभी मैं तीसरे गियर लगा दिया है मैंने, और स्पीड मेरी 60 की है। अब मैं इसको हल्का सा ब्रेक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो सीधा। तो इसका मतलब इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक के साथ कोई आपको इशू इसमें नहीं नज़र आएगा, काफ़ी बढ़िया है। तो जैसा कि हम होंडा एलिवेट आज चला रहे हैं और ZX टॉप एंड वेरिएंट चला रहे हैं जो कि मैनुअल में है, यहाँ पर तीन चार चीज़ें मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा एट्रैक्टिव भी लगेंगी और यूज़फुल भी लगेंगी। तो सबसे पहले जो हम ये होंडा की ZX चला रहे हैं, इसमें अडास 2.0 लेवल का अडास सिस्टम आता है, जो ब्रेकिंग और आपको सेफ्टी मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पूरे कंट्रोल्स आपको यहाँ हमारे राइट हैंड से मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं अडास फीचर यहाँ से ऑन हो जाता है, और अडास जो सिस्टम लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई है अडास सिस्टम। दूसरी है, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो इसमें 6 एयरबैग की सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रखेंगे। हालांकि आपको पूरा उस पर रिलाई नहीं होना है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा रहा हूँ तो यार एयरबैग बचा लेंगे, लेकिन आपको एक सेफ्टी फीचर जरूर 6 एयरबैग के साथ इसमें मिल जाता है। तीसरा क्या है, देखो टच स्क्रीन पैनल इतना बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो टच स्क्रीन पैनल एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, इसका 10 पॉइंट्स कुछ से ज़्यादा बड़ा है ये, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आपको नज़र आ रहा होगा। फील इतना अच्छा है इसका, टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है, कोई आपको इशू इससे नहीं है, और इजीली आप अच्छी तरीके से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ इसमें ऐसा कुछ इशू नज़र नहीं आएगा कि यार आपको दिक्कत हो रही है चलाने में या ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया टच एंड रिस्पॉन्स इसका काफ़ी अच्छा, ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्टीरियो की, और यहाँ से वॉल्यूम कर सकते हैं। हालांकि ये सारी कंट्रोल्स आप इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पर से होम और इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे भी हैं, और बाकी कंट्रोल्स इसके यानी कि इंफोटेनमेंट के आधे कंट्रोल्स हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी ये चीज़ें मैं आपको जो वीडियोस हैं उसमें तो क्लियर कर चुका हूँ, जो कि वायरलेस एप्पल का वायरलेस चार्जिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं ना गाड़ी में जो आपको और गाड़ियों से अलग बनाते हैं, और ये गाड़ी ऐसी है कि आपको ये फीचर्स यूजफुल लगेंगे, ऐसा नहीं कि फेक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इसकी प्राइसिंग इतनी बढ़िया है कि आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी कि यार ये प्राइस मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो रहे हैं या कुछ ऐसे ज़्यादा हैं, फीचर्स तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। प्राइस कम में भी बहुत बढ़िया चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और यूज़फुल के साथ साथ देखिए गाड़ी में तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूज़फुल फीचर्स होने चाहिए जो आपको काम के हों, जैसे 6 एयरबैग हो गए, अडास सिस्टम हो गया, ये सारे फीचर्स आपके काम के हैं। तो ये फीचर्स भी आपको ज़रूर देखने चाहिए होंडा एलिवेट में। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि ड्राइविंग के साथ साथ ना आपको बार बार, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन भी लेते हैं तो बार बार गियर चेंज करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो गियर रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, पंची है, तो छोटे छोटे गियर्स या बड़े गियर्स में भी गाड़ी आराम से उठ जाती है। हैंडलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। IRVM और ORVM जो साइड्स के मिरर हैं वो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, मतलब क्लियर दिखा रहे हैं पूरी गाड़ी इसमें, जो पूरी एंडिंग है अच्छी दिख रही है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी दिख रही है या आपके छोटे मिरर है, ऐसा कुछ नहीं है। होंडा पहले से ही मिरर्स जो है अपने काफ़ी वाइड और बढ़िया देता है, तो दिक्कत नहीं है। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी शेयर की थी, कोई ऐसा इशू इसमें नहीं नज़र नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लेदर फिनिश है, यहाँ वुडन फिनिश है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो होंडा ने ये काम भी बहुत बढ़िया किया है, तो यानी कि होंडा ने थोड़ा टाइम तो लगाया गाड़ी निकालने में, लेकिन काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है।
पीछे की सीट्स की बात करूँ तो पीछे की सीट्स में बैठा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो पीछे की सीट्स भी काफ़ी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें आपको आर्म रेस्ट भी अवेलेबल मिलता है आगे और पीछे, तो इजीली आप मतलब अगर आपको ड्राइवर भी आपका गाड़ी चला रहा है तो इजीली आप बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगेगी। और अब बात करते हैं इसकी माइलेज और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो माइलेज तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो इसका टेस्ट करेंगे, अभी गाड़ी खड़ी है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हैं, होंडा ने बहुत बढ़िया प्राइस निकाला है अपनी गाड़ियों का, तो आप जरूरी इस सेगमेंट को प्रेफर कर सकते हैं। होंडा की गाड़ी वैसे ही ट्रस्टवर्दी रहती है तो कोई इशू आपको उसमें ऐसा नज़र नहीं आएगा कि यार दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया आउटपुट इसमें मिल जाता है आपको, तो आप डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रेफरेंस करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी और गाड़ी से कंपेयर करना है तो वो करने के साथ आपको जरूरी आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आप जरूरी इस गाड़ी को बुक कर देंगे क्योंकि फीचर्स ऐसे हैं, प्राइसिंग ऐसी कंपटीशन में रखी हुई है और गाड़ी इतनी बेहतरीन बनाई है कि आपको बहुत बढ़िया आउटपुट इसमें मिलेगा। तो डेफिनेटली आप होंडा एलिवेट पे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से सबका ओपिनियन अलग है। और इसमें कलर्स भी 7 आते हैं जो बेहतरीन कलर है, वाइट ब्लैक तो है ही और कुछ और कलर हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि कैसे हमने होंडा एलिवेट को अच्छा या बुरा कह तो दिया है, लेकिन आप प्रेजेंटली खुद चला के भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि यार गाड़ी कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। बाकी मैं नीचे से शोरूम का नंबर और डिटेल डाल दूंगा तो आप वहां जाके विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल रिव्यू के साथ साथ एक प्रैक्टिकल फील आए चलाने में कि कैसा है। हम वर्चुअली आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसी है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।